जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, पहले तो उत्पीड़ना तक ही सीमित थी जी। लेकिन अभी स्थिति यह है कि उनकी हत्या कर दी जा रही है और लाश दो दिन चार दिन के बाद मिलता है। अब पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय होती है इसमें, उनको खबर दी जाती है, कोई खबर नहीं लेते हैं। दो दिन के बाद पता चलता है कि अमुक पत्रकार का शव फला जगह पड़ा हुआ है, फेंका हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? कहाँ के पत्रकार की हत्या? अभी जो पत्रकार की हत्या हुई, एक पहले समस्तीपुर में हुई थी और एक जो है अभी मधुबनी में हुई है, क्योंकि उस पत्रकार बिल्कुल ही निष्पक्ष था और सारा कुछ सही लिखता था, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। तो ये हत्याएं प्रशासनिक साठ गांठ के बिना नहीं होती हैं, और अगर नहीं होती हैं तो इसके लिए ट्रायल, स्पीडी ट्रायल कोर्ट चलाकर उसको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि दूसरे पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं ना हों। और दूसरी बात, आगे के लिए कहना है कि पत्रकार के परिजनों को 1 करोड़ रुपया कम से कम मुआवजा दो और एक सर को सरकारी नौकरी देना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार को चला सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा, पूरे पत्रकारों के बीच चलाया जाएगा। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम लोग समाचारों का सरकार के बहिष्कार करेंगे, निश्चित रूप से बहिष्कार करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हसनैन दीवाना हुआ, कौमी तंजीम पटना जी। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो।